हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ मासिक परीक्षा माह अगस्त का संस्कृत सब्जेक्ट का जो आपका टेस्ट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस, हिंदी और साथ में साइंस तीनों सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। ये वीडियो 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आप संस्कृत का जो टेस्ट है उसके सारे क्वेश्चन, उसके साथ साथ उनके आंसर भी यहाँ पर मैं समझाऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो संस्कृत का टेस्ट है उसमें आपके प्रश्नों की संख्या 5 है, समय 1 घंटे, पूर्णांक 20 है। अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति और सेकेंड है प्रश्न नाम सम्मुख अंक प्रदत्ता। तो आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य और साथ में इनके सामने जो अंक वो है वो दिए गए हैं। सर्वेशा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत नेव लेखनियानी। तो ये जो है आपको संस्कृत में ही इनके उत्तर लिख लेना है, सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। आपको उचित विकल्प चुन के लिखना है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो है 4 अंक का, यानी कि प्रत्येक जो इसमें 4 विकल्प दिए गए वो 1-1 अंक के होंगे। पहला है आगत्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ल्यप। उसके यहाँ पे दूसरा है अधुलिखितेषु प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा कृतः, कृत जो है वो प्रत्यय है। तीसरा जो है प्रश्न वो है अधिलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, तो अव्ययम् है वो हो जाएगा अत्र। उसके बाद फिर तीसरा जो चौथा जो प्रश्न है वो है अधिलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, तो नास्ति में हो जाएगा मोहना। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे खाली स्थान में, कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत। आपको जो कोष्टक में दिए हुए हैं उस हिसाब से एक चुनाव करके रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। 4 अंक का प्रश्न है। पहला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वः खाली स्थान जन्तवः, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तुष्यंती। उसके बाद सेकंड है पिबंती खाली स्थान स्वयमेव नाम्भा, तो इसका हो जाएगा नद्यः। फिर है तीसरा बालका खाली स्थान रजंता मधुकरम अपश्यत, तो इसका हो जाएगा पुष्पोद्यानम। इसके अर्थ है चौथा कुक्कुरः खाली स्थान मित्रम अस्ति, तो इसका हो जाएगा मानुषाणाम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे उचित मेल नम कुरुत, यानी कि यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है, वो भी आपके 4 अंक की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले का है आस्वाद्य तो यह, तो इसका हो जाएगा पद्य। फिर है दृष्टि प्रथम का हो जाएगा दृष्टि पंथा। फिर गुणयुक्ता का दरिद्र, और चौथा है पुष्पोद्यानम का होगा पुष्पाणाम उद्यानम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत। यहाँ पे आपको कोई 4 लिखना है, पर मैं सारे उत्तर बता दूंगी, पर आपको वहाँ पे पेपर में सिर्फ 4 ही करके आना है। बालः कदा क्रीडतुम् आगच्छत्, तो इसका उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीड तुम अगच्छत। तो ये जो है ये 3 शब्द आपको प्रश्न से लिखना है, सिर्फ इसको आपको लिख के एक बार अच्छे से देख लेना ताकि कोई भी गलती ना हो। सेकंड है सरोवर नाम हानि कदा भवती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोवर नाम हानि भरोले सह विप्रयोगेन भवती। तीसरा है खिन्ना बालका स्वानम किम अपश्यत, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं खा नंबर का जो प्रश्न है, तो यहाँ पे हो जाएगा खिन्ना बालकः स्वानम् अपश्यत् मित्रः त्वम् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यप्सि। ये जो है वो कुछ आंसर जो है वो यदि आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं तो आप वो उनको उससे याद कर लीजिए। ठीक है, चौथा है जंतवः केन तुष्यंती। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे यहाँ पे।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ठीक है, यहाँ चार ही आंसर दिए हैं तो चार ही आपको बता दिए हैं लाइन से। उसके बाद का जो पांचवा है वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आप चार ही अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन भी आपको होगा। उसके बाद फिर पांचवा नंबर का है अधुलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि लिखति। इसमें आपको कोई दो के लिखना है, नीचे जो पद्यांश दिया गया है उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है वित्तता क्षीणा नरः कीदृशः भवति। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, विदता क्षीणः नरः अक्षीणः भवति, ये शब्द आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे विदता क्षीणः कीदृश कीदृश भवति, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अक्षीणः। ठीक है, फिर तीसरा है यत्नेन किम रक्षेत। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा व्रतम होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसका आंसर, यत्नेन व्रतम रक्षे। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये उत्तर देख लीजिए यहाँ अच्छे से। पहला है वित्तता क्षीणम नरः अक्षीणा भवति, दूसरे का है वित्तता क्षीणम अक्षीणा भवति, और तीसरे का है यत्नेन व्रतम रक्षे। तो ये था आपका पूरा टेस्ट जिसके कि मैंने अच्छे से आपको सारे आंसर भी बता दिए हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।